फ्रेंड्स, कुक विद सोनिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम मार्केट स्टाइल हेल्दी स्वीट कॉर्न चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बहुत ही यम्मी चाट ये बन के तैयार होती है, तो चलिए शुरू करें इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप स्वीट कॉर्न लिए हुए हैं, फ्रोजन स्वीट कॉर्न है ये। फ्रोजन स्वीट कॉर्न है तो इसको सबसे पहले मैं एक बर्तन में पानी लेके 5 मिनट के लिए इनको थोड़ा सा उबाल लूँगी ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पे एक बर्तन लेके मैंने 2 कप इसमें पानी डाल के अपने 1 कप स्वीट कॉर्न डाल के इनको 5 मिनट के लिए उबाल लिया था और ये अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। उबालने के बाद मैंने इनको एक छन्नी लेके, ये देखिए इस तरह से मैंने इनको स्ट्रेन कर लिया था, छान लिया था अपने स्वीट कॉर्न को। यहाँ पे एक बर्तन लिया हुआ मैंने पैन, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बटर। बटर में अब 1 टेबल स्पून बटर ऐड करके अब इनमें इस स्वीट कॉर्न को इसमें फ्राई कर लूँगी। थोड़ा बटर के साथ स्वीट कॉर्न का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है बटर का स्वीट कॉर्न के साथ। आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बटर के साथ एक बार फ्राई कर लेंगे तो आप यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी चाट का। इसमें 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद बटर में इसको, यहाँ देखिए अब मैंने एक यहाँ पे बाउल लिया है, इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने स्वीट कॉर्न को। अब इसमें जाएंगे कुछ वेजिटेबल्स। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया था खीरा, 1 कप मैंने इसमें खीरा ऐड किया था। हेल्दी चाट बन रही है तो खीरा भी इसमें जाएगा। साथ में इसमें मैंने ऐड किया था 1 कप चॉप्ड अनियन, प्याज को चॉप करके बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया था। फिर मैंने 1/2 कप इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर इसमें ऐड किए हुए थे। 2 मैंने ग्रीन चिली इसमें चॉप की हुई बारीक चॉप की हुई ऐड की थी। फिर इसमें कुछ जाएंगे अब मसाले, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया था, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका काला नमक का इसमें। 3/4 टेबल स्पून मैंने सादा नमक इसमें ऐड किया, सादा नमक कम ही खाना चाहिए ऐसे कच्चे में, तो मैंने 3/4 कप इसमें किया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था और 1/2 टेबल स्पून जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें ऐड किया था। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी। 1/4 टीस्पून रेड चिली मैंने इसमें ऐड की थी। इसके बाद मैंने कुछ ऐड किए थे धनिया पत्ती, बारीक चॉप की हुई धनिया पत्ती इसमें ऐड की थी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 मैंने लेमन जूस, 1 नींबू को निचोड़ के इसमें ऐड किया था इसका जूस नींबू का, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है नींबू का भी इसमें। अब हम अपनी चाट को इन अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सभी मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। और सच मानिए फ्रेंड्स, चाट मसाला का नींबू का इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आप तो इसके दीवाने ही हो जाएंगे इस चाट के, और हेल्दी तो है ही ये चाट। अब इस स्टेज पर आप इसमें चेक कर सकते हैं नमक मिर्च और खट्टा, जितना आप लाइक करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं टेस्ट टू अकॉर्डिंग। ये देखिए यमी यमी सी हमारी स्वीट कॉर्न चाट यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है ये खाने में और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। एकदम मार्केट स्टाइल हमारी ये चाट बनके तैयार हुई है। देखिए देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में। ये देखिए एकदम यमी यमी सी हेल्दी स्वीट कॉर्न चाट हमारी बन के तैयार है। यहाँ पर मैंने इसको एक गिलास में भी सर्व किया है, जिस तरह ये मार्केट में मिलती है उस तरह से भी इसको सर्व किया हुआ है। तो टेस्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड ये चाट हमारी। तो रेसिपी पसंद आई होते से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।